हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, 2020 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, और जैसा कि आपने कमेंट किया था कि पिछले कुछ वर्षों के और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम आपके लिए 2018 के प्रश्न पत्र लेकर आए हैं सारे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवध यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड ईयर में 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न पत्र, तीनों एक साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन के ऑल वाले आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर देखिए खंड आ में क्या होता है। एक चीज़ और, हमने आपको बताया था कि जो तीनों प्रश्न पत्र होते हैं, बीच जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग टाइप में होता है, मतलब कि मार्किंग का जो डिवीज़न होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, और ये कई लोग ध्यान भी नहीं देते, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देकर यहाँ पर चलना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन के संप्रत्यय को परिभाषित करना है, फिर है शैक्षिक प्रशासन के 3 क्षेत्रों का नाम। तो यहाँ पर हमारे पढ़ने के बजाय आप खुद जो है सारे क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में पढ़ लें, है ना, और एक एक क्वेश्चन देख लें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुआ है और कौन सा नहीं, उसके बेस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और कौन सा क्वेश्चन कितने पेज का लिखना है, है ना, कैसे टाइम मैनेज करना है, इन सब पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके। तो खंड बा में देखेंगे, यहाँ पर देखिए 200 शब्दों में लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं अथवा करके दिए हैं, और एक करना होता है एक नहीं करना होता है। ऐसे ही 3 नंबर में भी दिए गए हैं 2-2 क्वेश्चन, फिर 4 नंबर में भी 2 क्वेश्चन हैं, तो आप यहाँ पर एक एक को पढ़ के बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर 6 में भी 2 क्वेश्चन हैं, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसके बेस पर। तो खंड सा में देखेंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 500 शब्दों में लिखना होता है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ये क्वेश्चन 15-15 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन हैं 2 करने हैं, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन को। चलिए द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 50 शब्दों में लिखना होता है, और ये 2-2 नंबर के, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है ये सब हमने 2020 वाले प्रश्न पत्र के में बताया था, है ना, तो वो भी बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 2020 का, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें वेरी शॉर्ट आंसर ऊपर दिए गए हैं, फिर नीचे नेक्स्ट दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, अथवा करके एक एक करना होता है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और सारे, फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, नीचे कुछ हेडिंग वाइज दिए गए हैं, और देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का, मध्यमान मध्यांक और बहुलक की गणना करनी है, और अगर आपको ये मध्यमान मध्यांक और बहुलक ये चीज़ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपको इसको बोर्ड पर बहुत ही अच्छे से समझा देंगे कैसे आपको करना है, ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दें ताकि एक पेज पर आ जाए आपका क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन यहाँ पर है, है ना, ये रहा। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर भी, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है, इसमें क्रम अंतर विधि से गणना करनी है, और फिर तृतीय प्रश्न पत्र पर देखेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा प्रयोजन एवं मुद्दे। तो यहाँ पर देखिए, और इसके अलावा यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर यूपी टेट के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से 2019 तक, सारे सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो में मतलब बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं यूपी टेट के सॉल्व पेपर। और मुझे यकीन है कि अगर आप सेकेंड ईयर बीएड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस बार यूपी टेट भी आप देने चाह रहे हैं,
तो यहाँ पर चलिए ये थर्ड पेपर देखते हैं। इसकी महत्ता सुपर टेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा रहती है। सुपर टेट में इस पेपर से क्वेश्चन मतलब ऐसा उसमें सिलेबस में रखा ही गया है। तो यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट है, उड का घोषणा पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर मध्याह्न भोजन गुरुकुल प्रणाली है, मकतब मदरसा है, NCTE है, इग्नू है, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। खंड बा में देखेंगे एक एक क्वेश्चन करना होता है, अथवा में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वर्धा शिक्षा योजना, मुस्लिमकालीन शिक्षा की विशेषताएँ, फिर शिक्षा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा, फिर उसके बाद है शांति शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों के उत्थान हेतु शिक्षा की भूमिका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर खंड सामे देखिए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यहाँ पर आप लास्ट में दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा स्किप हो गया था, लास्ट में जो खंड सा के क्वेश्चन थे उसका जो है लास्ट वाला पेज थोड़ा सा कट गया था नीचे, तो यहाँ पर आप खंड सा में नीचे देख सकते हैं, तीन क्वेश्चन है ना, दो प्रश्नों का उत्तर देना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।